किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं भाइयों, ये नया ट्रैक्टर है भाइयों, और नए ट्रैक्टर के बहुत सारे फायदे हैं। एक बार जिस किसान ने ले लिया भाइयों, तो 20 साल तक आपको उसमें कोई चाबी वगैरह नहीं लगाना है। ये भाइयों आप देख सकते हैं, सोलस ट्रैक्टर चल रहा है भाइयों, और 9 का टीलर खींच रहा है, और ज़मीन हमारे यहाँ की काली मिट्टी है ज़्यादा, यहाँ नदी का किनारा है भाइयों, उस साइड पहाड़ देख सकते हैं आप, और इधर सोलस ट्रैक्टर चल रहा है। भाइयों ट्रैक्टर की जो चाल है टॉप लो में चल रहा भाइयों, तो आप देख सकते हैं भाइयों परफॉर्मेंस यहाँ पे टीलर पर। भाइयों नया जो ट्रैक्टर होता है, किसान के पास जैसे बजट ज़्यादा है तो वो ही किसान नया खरीदता है, और यदि आपने इधर उधर से पैसे उठा करके नया ट्रैक्टर ख़रीदा तो भाइयों गियर में फंस जाता है वो किसान, तो उसका जैसे बजट कमज़ोर है तो भाइयों पुराना ट्रैक्टर ख़रीद लें आप, कोई सा भी अच्छी कंडीशन हो ट्रैक्टर की, ज़्यादा खर्चा ना हो उस ट्रैक्टर में, देख रेख के आप देख परख करके नया ना ले करके पुराना ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं, जो भी किसानों का कम बजट है भाइयों। और जो किसान अपने नया ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, जिनके पास बजट है भाइयों, तो वो नया ही लें, क्योंकि नया आपने एक बार ख़रीद लिया तो आपको 20 साल तक भाई उसमें कुछ नहीं करना है, केवल सर्विस सही समय पर होती रहे। एक बार ट्रैक्टर जैसे खेत में आकर के रंबा कर दिया किसान ने, तो भाइयों जब तक आपके पास रहेगा ना, आपके पास जब तक रहेगा तो वैसा का वैसा ही चलेगा जैसे नया चलता है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं भाई वो साइनिंग मार रहा है। हमारे यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर है किसान ने लिया है, उनका नाम है राहुल केवट, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है भाइयों, और हमारे यहाँ पर आसपास में कोई भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा ये वाला, तो किसान की पसंद यही रही है सोलस की। इन्होंने पहली बार ही ट्रैक्टर लिया तो सोलस ही चुना इन्होंने। तो पहली बार में किसान ने सोलस को ही पसंद किया है, क्योंकि भाइयों जब ट्रैक्टर नया हो तो चलाने में मज़ा आता है, और कैसा भी आप उससे काम करो पीछे नहीं हटता है। और ट्रैक्टर की बात नए के साथ साथ बड़े ट्रैक्टर की बात की जाए यदि, तो भाइयों फिर तो कहने ही क्या है ट्रैक्टर के। यह सोलस का 50-15 ई सीरीज का ट्रैक्टर है, और टॉप लू में चल रहा है भाइयों। अब जैसे नया ट्रैक्टर हो तो आप उसे किसी भी जोर पे लगाओ, कभी हार नहीं मानता भाइयों, और यही खासियत भाइयों पुराने की, यदि आप देख रेख करते रहोगे तो अच्छा चलेगा भाइयों। अब जैसे कोई किसान है या कोई व्यक्ति की ही मान लो आप, अच्छा दूध खाए घी खाए, तो आप उससे कैसा भी अच्छा हष्ट पुष्ट उसका शरीर होगा तो भाइयों कैसा भी काम कर लेगा, और
अब उसे खाने पीने के लिए कुछ धोना और कहो कि बीस किलो का वजन उठाकर इधर से उधर के लेके जाए तो भाई वो कैसे लेके जाएगा। तो भाई उसके बस की बात नहीं है, फिर जब तक उसके लिए अच्छा खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठा पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही है मशीनों का कि जब तक उसकी आप देखरेख नहीं करेंगे, उसमें क्या समस्या है क्या खराबी है, तो तब तक मशीन भी साथ नहीं देने का आपके। तो आशा करता हूँ भाइयों ट्रैक्टर आपको अच्छा लगा होगा, सोलस यानमार 5015, और वीडियो अच्छी लगी होगी भाइयों, बातें अच्छी लगी होंगी। पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सभी किसान भाइयों के लिए मेरा राम राम। ये आपका अपना किसान चैनल है भाइयों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी भाइयों, तो वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं भाइयों एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम।